दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया लेंस के बारे में जो जूम कर सकता है। जी हाँ, आंखों के लेंस। ऐसे इनोवेटिव चीजों के बारे में जब भी पढ़ता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज जो एक न्यूज सामने आई है दैट इज एक्साइटिंग, और उसका बहुत फायदा भी है, लेंस के जैसा नहीं है। जी हाँ, फेसबुक और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अब एक नई टेक्नोलॉजी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी इंटरफेस लेके आए हैं, जिसकी वजह से आप टाइप कर पाओगे लेकिन आपको आपका कोई भी बॉडी पार्ट हिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचो और वो टाइप हो जाएगा। जी हाँ, ये एक नई टेक्नोलॉजी अभी भी पायलट स्टेजेस में है, नहीं है, कुछ ही वर्ड्स आते हैं, फिर भी सोचिए आप सोच रहे हो और स्क्रीन पे टाइप हो रहा है, दैट इज अमेजिंग, इजंट इट। और दोस्तों, हाइपरलूप आपको तो पता है, सुपर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है इसमें और एक स्टेप ले लिया है इंडिया ने। पुणे से मुंबई तक ये होने वाला है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मोड दे दिया है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया है। इसका मतलब ये अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है और 100% होगा। सोचिए, पुणे से मुंबई जो अभी 3-4 घंटे लगते हैं वो सिर्फ 23 मिनट में क्रॉस करेगा हाइपरलूप, लेकिन पहले पायलट स्टेटस होगा, उसके बाद में 7 लगेंगे टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। और दोस्तों, असुस आरओजी फोन 2 को कितने ज्यादा प्री ऑर्डर्स आए थे ये तो आपको पता है। आज वो सेल पे गया और 10,000 यूनिट थे उनके फ्लैश सेल के अंदर। 73 सेकंड्स में 10,000 यूनिट सब सेल हो गए। उतना ही नहीं दोस्तों, जिन लोगों ने प्री ऑर्डर्स किए थे बहुत सारे लोगों को मिला भी नहीं। वैसे अगस्त 7, उसके बाद में 11th, ऐसे अलग अलग फ्लैश सेल्स होने वाले हैं, तो जिनको नहीं मिला है वो खरीद सकते हो, लेकिन ये चाइना में है, इंडिया में कब आएगा यही सवाल है। इतना उधर डिमांड है ज्यादा, तो इधर तो डिले होएगा और आने को, क्या लगता है आपको? और दोस्तों, आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 480। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, नोटिफिकेशंस 100% आएंगे, और बहुत जरूरी है जैसे ही वीडियो अपलोड नोटिफिकेशंस आपको। और हाँ दोस्तों, छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन पे पहुंच गए। आज सुबह हमने डाला है ब्लॉपंक का 55 इंच का 4K UHD QLED स्मार्ट टीवी का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन। नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और दोस्तों, नूबिया का जो Z20 Pro है, पिछले 2-3 दिन से आपको न्यूज दे रहा हूं, नई नई चीजें सामने आ रही है। आज तो बहुत सरप्राइजिंग चीज सामने आई, उसमें एक स्क्रीन नहीं जो बेजललेस होने वाली, ये आपको पता है, 2 स्क्रीन्स होने वाले हैं, आगे 6.42 इंच की, पीछे की तरफ 5.1 इंच की। उतना ही नहीं, ये पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें 2 फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाले हैं, आगे और पीछे दोनों भी स्क्रीन के ऊपर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। क्या लगता है आपको कैसा होगा ये? पता नहीं अब नूबिया इंडिया में इसे लॉन्च करेगा या नहीं, लेकिन आना चाहिए। ये नई नई चीजें देख के सुन के आपको दिखा के बड़ा मजा आता है। इसी बात पे दोस्तों लाइक्स बनते हैं, रिमाइंड करना मेरा काम है, करना लाइक आपका। दोस्तों, सैमसंग एम सीरीज का एक नया फोन लाने वाला है। अब ये नया तो नहीं होगा, ये M20 का अपग्रेडेड वर्जन होगा जिसका नाम होगा M20S। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि इसकी बैटरी होगी 6000 mAh। सोचिए, असुस फोन 2 जो है, असुस आरओजी फोन 2 जो है उसमें है और अब होगी इसमें, ये मिड रेंज का ही होने वाला है। रेटेड कैपेसिटी 5830 mAh है, लेकिन 6000 mAh की बैटरी 2-2.5 दिन। Xiaomi की तरफ से आज दोस्तों बहुत सारी इंटरेस्टिंग, बड़ी एंड बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज आ रही है। सबसे पहले तो कह दूं कि चाइना में K20 सीरीज, इसका मतलब K20 Pro और K20 के प्राइजेस घट गए हैं। इंडिया में ये होना चाहिए था, वो चाइना में हो गया, और इतना जल्दी मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। कुछ 300 युआन यानी $45 से प्राइजेस कम हो गए हैं। अब K20 Pro जो है आपको पहले 25 से चालू होता था, अब 23,000 से चालू होगा, कन्वर्ट करके कह रहा हूँ। और उसका जो ऊपर वाला वर्जन है 8GB 128GB, वो 2499 युआन यानी 25,000 को। उतना ही नहीं, K20 की प्राइस भी अब घट के हो गई है 1999 युआन यानी 20,000 के नीचे आ गई है। इंडिया में होना चाहिए था, लोगों ने पेटिशंस भी किए, लेकिन वो हो गया चाइना में, इंडिया का नहीं। और दोस्तों, कल जो मैंने आपको न्यूज दी थी, जी हाँ, मीडियाटेक हीलियो G90T इस प्रोसेसर पे रेडमी का फोन आने वाला है, ये कंफर्म्ड हो गया है, टीजर डाल दिए हैं चाइना में। और दोस्तों, ये जो फोन होगा, ऐसे कहा जा रहा है 2 वर्जन्स है या फिर 2 फोन्स आ सकते हैं, या तो Redmi 7 Pro या फिर Redmi Note 8 Pro। आपको कमेंट्स में बताना है कि ये G90T जो 90Hz के डिस्प्ले के साथ आएगा, 64MP कैमरा सपोर्ट करता है, वो Redmi Note 8 Pro हो सकता है या फिर Redmi 7 Pro।
एंड सबसे बड़ी खबर पोको के बारे में। इतने सारे लोग हमेशा पूछते हैं पोको F2 के बारे में, और उसका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो हो गया है लीक आज। स्लैश लीक्स ने वो फोटो डाला हुआ है, वाटर ड्रॉप नॉच दिख रही है, पतले से बेजल दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ स्क्रीन प्रोटेक्टर ही है। इसका मतलब ये होता है कि पोको का अगला फोन आने वाला है, इसका नाम F2 होगा, M2 होगा, Z2 होगा, ये पता नहीं है, बट पोको का अगला फोन आएगा। जब हमने कुछ दिनों पहले शाओमी के साथ बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि हाँ पोको की टीम है, लेकिन आगे के प्लान्स क्या है ये हमें पता नहीं है। पोको F2, आई होप इट कम्स। और दोस्तों व्हाट्सएप पे हमेशा ही स्कैम वाले मैसेजेस इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन अब एक नया मैसेज सभी लोग शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1000 GB डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। दोस्तों उसके लिए सर्वे करना पड़ता है, आप लिंक पे जाएंगे, सर्वे करना पड़ता है, बाद में आपको कहते हैं कि 30 लोगों को ये फॉरवर्ड कर दो। ये बहुत बड़ा स्कैम है, मत पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर ऐसा कोई भी मैसेज आया है ग्रुप में या किसी ने आपको भेजा है तो उसे क्लिक मत कीजिए, पार्टिसिपेट मत कीजिए सर्वे में। इनफैक्ट आप मैसेज भेजिए कि ये स्कैम है, आप फंस सकते हो, मत करो ये फॉरवर्ड। अगस्त भी बहुत सारे डिस्काउंट सेल ऑफर्स लेके आने वाला है। रियलमी का खुद का फ्रीडम सेल होगा, जी हाँ, और इसमें आपको हर रियलमी के फोन पे मस्त डिस्काउंट, बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। 1000 रुपए का रियलमी 3 प्रो लो, रियलमी 2 प्रो लो, C2 लो, C1 लो, 3 लो, बहुत सारे फोन्स पे मिलने वाला है, लेकिन ये रियलमी के वेबसाइट के ऊपर। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लेकिन अभी 1-2 दिन है चालू होने के लिए, तो रुक जाइए। और रियलमी फ्रीडम सेल के बाद अमेजोन का भी आ रहा है, ये भी फ्रीडम सेल ही है। ऑब्वियसली अगस्त 15 आ रहा है तो सब लोग फ्रीडम सेल डाल रहे हैं, और वैसे ही अमेजोन लाने वाला है अगस्त 8 को, और आपको मोबाइल्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स, एक्सेसरीज सभी के ऊपर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। और जब ये सेल चालू होगा तो आपको तो पता है डिस्क्रिप्शन में हम सभी ऑफर्स सेल के लिंक्स देते हैं, तो जरूर डिस्क्रिप्शन देखते जाइएगा हर रोज। चलिए दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म, लेकिन वक्त होता है ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट का। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि आज की न्यूज में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एक लोगो या इमोजी या ऐसे कुछ दिखेगा, एक सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए। आपको क्या करना है, #TTTH डालना है, टाइम स्टैम्प डालना है, कब देखा आपने, और स्पेसिफिकली बताना है कि आपने क्या देखा, और कमेंट करना है। अगर आप सही हो तो आप जीत सकते हो पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट के विनर है भार्गव साई, कॉन्ग्रेचुलेशन। भेज दीजिए आपका पेटीएम का ईमेल आईडी, हम भेज देंगे आपको आपका गिफ्ट वाउचर। जी हाँ, और अब वक्त होता है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट का, हमारे सुपरस्टार्स फीचर्ड कमेंटर्स का नाम लेने का। और कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं प्रकाश भरद्वाज, आकाश राठौर और निधि बंसल। क्या जबरदस्त कमेंट्स डाले, ऐसे ही कमेंट्स डालते रहिए, हम कभी नहीं भूलेंगे आपका नाम लेना। चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 480 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं वो कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, रिमाइंड करना मेरे हाथ में है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।